और एग्जाम के बाद का माहौल? बहुत ही बेकार एग्जाम था। कैसा गया? Hello and welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine and आशा करछी जे आपना सबाईरा सुस्थ आछेन। आर टुडे इज ट्यूजडे, सो आज का एजेंडा ये है कि मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से एक घंटे दूर है, विच इज़ नियर बाई ऋषिकेश। और द एजेंडा इज़ मेरी सिस्टर आ रही है और मैं जा रहा हूँ उसे रिसीव करने, क्योंकि कल से हमारे फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ MBA, या मैं MBA कर रहा हूँ जिसको नहीं पता। अभी चलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ अपने टाइम के हिसाब से। रास्ते में बात करते हैं एंड शी इज़ रेडी, आई एम रेडी, सो लेट्स गो, ऑल सेट टू गो। सो मिलते हैं रोड पे। कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेट्स सी कैमरा एडजस्ट करेंगे गाड़ी में बैठ के। और यूजिंग द ND फिल्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस कैमरा, सो अब तो ये एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि कैसा है। देखता हूँ वीडियो कल सुबह 9 बजे आ जाएगी, या तो फिर 2-3 दिन का ब्लॉग एक साथ शूट करके फिर उसे एक साथ अपलोड करूँगा इन अ सिंगल वीडियो। सो टुडे आई एम राइडिंग दिस डोमिनार 400, द डोमी बीस्ट, एंड मेरी FZ सनी लेके गया है। सो कैमरा एंगल, लेट्स चेक आउट द कैमरा एंगल पहले। ओके, जैसा होगा रोड में देख लेंगे, रोड में तो पता चल ही जाएगा कि क्या सीन है या नहीं भी है। ओ डैम, दिस साउंड ऑफ दिस बाइक मैन, आई जस्ट लव इट सो मच। पर हाथी है हैवी सा। तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्यूल ले लेंगे, फिर सीधे हाईवे के लिए निकलेंगे। यार आज का मौसम देख के लग रहा है बारिश होने वाली है, चलो हो जाए, बढ़िया है। एंड इसके पहले वाली जो व्लॉग है ना, जहाँ मैंने गाइस बेसिकली बात किया था अपने टूटे हुए उंगली के बारे में, आई मीन दिस थंब, सो वो व्लॉग यार मुझे एडिट करने का सच में टाइम नहीं मिला। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि यार मेरे व्लॉग्स काफ़ी लेट चल रहे हैं। I have videos ready, but then I did not really upload them. So I don't know what's wrong with me, or I am becoming super lazy right now nowadays. यार एक तो ये स्मार्ट देहरादून के नाम पे रोड बना देते हैं, फिर उसके बाद बनाने के बाद इसे वापस से खोद भी देते हैं, फिर बना देते हैं और फिर खोद देते हैं। देहरादून ऐसे स्मार्ट थोड़ी बनेगा यार, इसे देहरादून की बात नहीं है यार, ऑलमोस्ट हर जगह यही सीन है।
लेट्स क्विकली सेट ट्रिप टू टू ज़ीरो कैसे होता है ये? मैं हाथी उठा के लाया हूँ ना आज, इसलिए हाँ। ओके सो अब हम निकल रहे हैं। हाँ गिरना नहीं। सो वी हैव डन समवेयर अराउंड 79 किलोमीटर्स एंड 29 का माइलेज मिला है। नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, इट्स ओके। ओके सर, एंड खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, सो बाहर से मंगाएंगे कुछ। And there this girl, say hi to the camera. थकी हारी बेचारी सी बच्ची। धूल मिट्टी हुआ तो गंदा गंदा लगेगा ना। हेलो, चलो चले नहीं लेगा गन में। ओके सो लंच पैक हो चुका है, पहुंच गए हैं घर। ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं, 4:30-5 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सीन ये हुआ है कि आके सोए, सो के उठ के मार्केट गए, मार्केट जाके आए, फिर कुछ नहीं किया, फिर अब पढ़ाई कर रहे हैं। इसने दो बार बर्तन साफ किया है, दो बार निकाल के दिया, दो बार और फिर मैंने क्लीन भी किया, फिर इसने आइसक्रीम भी खाया, मैंने सारे सामान को एडजस्ट किया, मैंने चावल रखा, मैंने आटा रखा, मैंने मैगी भी रखा। कल से मैडम मेरे लिए रोटी बनाएगी। The next morning. 9:30 में तुम अभी जा रहे हो। Hello guys. सुबह के बज रहे हैं। सुबह के थप्पड़ दोगी अभी, चलो चुप जाओ। और हम लोग अपने एग्जाम के लिए लेट हो चुके हैं। चाबी और ताला खोजा जा रहा है यहाँ पे। और मेरा चश्मा।
पकड़ो ना कैमरा। अरे ये रही मैडम, रेडी हो गई है और हम भी रेडी हो गए हैं कॉलेज के लिए, एकदम रेडी। और काफ़ी लेट हो चुके हैं कॉलेज के लिए और हमें कितना मज़ा आ रहा है लेट हो के। लेट होने से ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता है, उसका मज़ा आ रहा है। जी जी, जल्दी 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 तुम आयरन मैन बन के। और एग्जाम के बाद का माहौल बहुत ही बेकार एग्जाम था। कैसा गया? चलो घर चले, अब जाना पड़ेगा। एग्जाम हो चुका है, इतना भाई यार एग्जाम आज तक कभी नहीं गया मैं एग्जाम। तुम्हारी गलती के वजह से तुम नहीं पढ़े थे। मैं पढ़ा इसको था। टीचर बार बार आके आधे घंटे में उठा रही है, कौशिक तुमने रात में पढ़ाई ज्यादा कर ली है या तुमने पढ़ाई नहीं है? तो कौशिक बार बार उठ के लाइन, ये रात में भी ऐसे ही कर रहा था, नींद में उठ के पढ़ रहा था और फिर नींद में लिख रहा था और फिर नींद में वापस सो जा रहा था। टैलेंट कहाँ से आता है भाई तेरे में इतना? सोते सोते एग्जाम देंगे, पर एग्जाम तो देंगे। ये सारे निराश चेहरे बाहर निकलते हुए मेंबर्स एकेडमी से, कुछ हंसमुख चेहरे कुछ निराश चेहरे। हंसमुख चेहरे उनके हैं जिसने गोबर भरा है, निराश चेहरे उनके जिनको गोबर भरना भी नहीं आया। मैं हंसमुख और निराश का मिक्सचर हूँ, बट मैंने तो पूरा भरा है। जो होगा अच्छा होगा। और ये अपना कॉलेज जिसमें टेंथ की याद दिला दी हमें, टेंथ का एग्जाम था। वेरी मच डिसअपॉइंटेड। एक खत्म हुआ, ठीक है। हाँ मतलब एक खत्म हुआ। वेरी सो मच डिसअपॉइंटेड क्योंकि भूख लगी है। अच्छा तो तुम्हारे पास है? भूख लगी इसलिए तुम डिसअपॉइंटेड? हाँ कुछ भी है क्योंकि हम सो भी गए थे ना एग्जाम के लिए। आज है संडे, कायदे से रात के 12 बज गए हैं, तो आज है मंडे। तो अभी पोपट ये हो गया है, एक बज गए हैं, तो पोपट ये हो गया है कि अभी मैं अपने वीडियो एडिट कर रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ब्लॉग एंड करना ही भूल गया हूँ। तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अब अगला ब्लॉग देख लेना जो भी होगा जैसा भी होगा। और मैडम अभी भी पढ़ाई कर रही है, कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? बहुत ही ट्रिकी है। ट्रिकी है? You are managers. Come on, managers. I am not a sales manager. You are a manager at nowhere. At कहीं तो है। I am a guest relation. हाँ वही 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 guest relation managers. Guest relation is important. Company is well not important. So, yes. Company is also important, yeah. But I can't disclose the company. Oh my God! Yes, I can. I'm studying sales management. She is studying sales management with B2B Salesforce of the future. बिल्कुल. So इसी के साथ ये vlog यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको आज का vlog अच्छा लगा, I mean ये vlog. क्यों थोड़ा बात करो यार. बात करें? Of course. लो तुम बात करो. मैं तो आज तुमने खाना नहीं खाया. नहीं ऐसे नहीं ऐसे. तुमने खाना नहीं खाया क्योंकि तुमने नहीं बनाया। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं डाइटिंग कर रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये इसका सेटअप है, ये ऐसी सस्ता सेटअप, ये ऐसी पढ़ाई करता है और सब कुछ करता है, सब कुछ ऐसे करता है। और उसको लाइटिंग इतनी पसंद है कि वो हर चीज में लाइटिंग करता है, चाहे वो लैपटॉप क्यों ना हो। देखो यू कैन सी देखो डिस्को, सो ही लाइक दैट। सो मैं बात करना चाह रही थी, क्या बात करना चाह रही थी? मुझे भूख नहीं लगी और इसको भूख लगी है जी। मैंने आज चारकोल पैक लगाया था तो मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, देखो लग रही हो ना? नहीं लग रही हो? देखो मैंने कोई मेकअप नहीं किया, कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया। कौशिक अब तो मैंने फिल्टर यूज़ नहीं किया, ठीक है? ये मेरा चेहरा है, रियल चेहरा यहाँ आके। बट देहरादून आके मुझे थोड़े से देखो क्या क्या आ गए इधर, चारकोल पैक अभी भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और मुझे यहाँ पे आ गया। बट
मैं बचपन से इन सब चीज़ों के साथ बड़ी हुई। YouTube में वो होता है जो आप रियल होते हो वो दिखाते हो, तो मैं ऐसी ही हूँ तो मैं ऐसी ही दिखाने वाली हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर सच में पसंद आए ना तो मैं यहाँ पे 23 तारीख तक हूँ, ठीक है? और अगर मुझे लाइक्स अच्छे आए तो मैं जाने से पहले 2-3 ब्लॉग बना के जाऊँगी, ठीक है? और अगर उन ब्लॉग्स पे भी लाइक आए तो मैं हैदराबाद से 1 hour later तो मैं खुद का यूट्यूब चैनल खोल के खुद ही बना लूँगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इफ यू वांट टू सी मी देन डू लाइक ऑल द वीडियोस। एडिट तो कौशिक को ही करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल टाइम से कौशिक ही मेरा सारा काम करते आया है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो। वो तो मैंने अभी सीखा है प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। 2 hours later मैं सबसे पहले कौशिक को कॉल करती हूँ, बिकॉज ही इज बेस्ट इन दैट। 3 hours later सो ही वाज बेस्ट। चलो खत्म करो। ओके गाइस, क्यों इतनी अच्छी बात कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा आपको? 1 eternity later ओके गाइस, खत्म करते हैं, चलो बाय। ओके गाइस, खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में, तब तक ले जाए किसी ब्लॉग में जो तुम बनाओगे उसी ब्लॉग में। फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शट अप, एक सेकंड बोलने दो ना।